Assalamu alaikum viewers, this is Yasir Kiani, assistant professor of chemistry, and today we are going to discuss about collision theory and the factors affecting the rates of a chemical reaction. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि collision theory क्या होती है और chemical reaction के जो rates हैं इनके ऊपर कौन कौन से factors हैं they do affect upon them. तो सबसे पहले collision theory क्या है, what do you mean by collision theory? तो collision theory हमें ये बताती है कि molecules जब इफेक्टिवली कोलाइड करें, इस तरह कोलाइड करें कि प्रोडक्ट बन जाए, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का, गैस मॉलिक्यूल्स का कोलिजन हर वक्त जारी रहता है, लेकिन जब इस तरीके से कोलाइड हो मॉलिक्यूल्स कि उससे प्रोडक्ट बन जाए, दैट कोलिजन इज सेड टू बी इफेक्टिव कोलिजन. उसे क्या कहते हैं, इफेक्टिव कोलिजन. सो मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विद ईच अदर. वंस मॉलिक्यूल कोलाइड दे मे रिएक्ट टुगेदर एंड दे मे नॉट. इफ दे डू रिएक्ट टुगेदर देन द कोलिजन विल बी इफेक्टिव कोलिजन. If they do not react with one another, but they collide, that is called as ineffective collisions. So molecule must have sufficient energy. अब molecule कब collide करके तो product बनाएंगे, इसका पता हमें कैसे चलेगा? जब molecules के पास वो minimum energy मौजूद होगी जो किसी chemical reaction के लिए required होती है, तो किसी chemical reaction के लिए जो वो energy barrier है, वो minimum energy किसी chemical reaction को drive करने के लिए चाहिए होती है, that is called as the energy of activation. ठीक है, so for example आप ये देखें, यहाँ ओजोन मालिक्यूल NO से collide कर रहा है और ये O2 में और NO2 में कन्वर्ट हो रहा है. इसमें आप ये देखिए, सबसे पहले ओजोन का ये स्ट्रक्चर है, ये NO का स्ट्रक्चर है, इससे एक ट्रांजिशन कम्प्लेक्स बन रहा है ओजोन का और NO का. इस ट्रांजिशन कम्प्लेक्स के बाद ये प्रोडक्ट है विच इज O2 गैस एंड NO2 गैस. ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म है कि रिएक्शन में पहले रिएक्टेंट्स थे दो, फिर उन्होंने आपस में कोलाइड किया, कोलाइड करके एक ट्रांजिशन कम्प्लेक्स बनाया. ट्रांजिशन कम्प्लेक्स का मतलब होता है एक इंटरमीडिएट, यानी ना वो चीज़ रिएक्टेंट में है ना वो प्रोडक्ट में है, बल्कि वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में है, उसको हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट. ठीक है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट है. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट ये एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करते हैं. जब ये एक्टिवेशन एनर्जी से नीचे आते हैं, ठीक है, तो फिर ये प्रोडक्ट बनाते हैं. अब अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, ठीक है, तो आपके पास ये रिएक्शन जो होगा वो एक्सोथर्मिक होगा, और अगर आपको रिएक्टेंट की एनर्जी कम है प्रोडक्ट की ज़्यादा है तो आपके पास ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा. ये आप आगे देखेंगे. उसके बाद एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स, अभी आपने देखा एनर्जी बैरियर टू द रिएक्शन, ये क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी, दरअसल वो एनर्जी बैरियर होता है, वो कम से कम एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास होनी चाहिए, या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट रीच दैट एनर्जी बैरियर बिफोर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट. ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट, या रिएक्टेड द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट्स इनटू एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स. वो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स जो आपने पीछे देखा है उसको बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी बैरियर या एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी एटमों को इस काबिल कर देती है कि वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो जाएं और फिर वो प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएं. ठीक है, द एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स इज अ केमिकल स्पीशी विद पार्शियली ब्रोकन एंड पार्शियली फॉर्म बॉन्ड्स. पिछले बॉन्ड पार्शियली ब्रोकन हो, कुछ बॉन्ड पिछले टूट जाएं, कुछ बॉन्ड नए अगले बन जाएं, तो ना वो चीज़ रिएक्टेंट में होगी ना वो प्रोडक्ट में होगी, बल्कि क्या होगी, वो ट्रांजिशन कम्प्लेक्स में होगी या एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स में होगी. ऑलवेज इट इज़ वेरी हाई इन एनर्जी बिकॉज ऑफ द पार्शियल बॉन्ड्स. ये देखिए, आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा थी, वो एक्टिवेशन कम्प्लेक्स से गुजरे, यहाँ पे एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बना, उसके बाद जब प्रोडक्ट बने तो वो रिएक्टेंट की एनर्जी से नीचे चले गए. अब ये जो गैप है एनर्जी का, ठीक है, ये फालतू एनर्जी जो रिलीज हुई है, ठीक है, ये एनर्जी होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी एंड रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक. एक्सो मीन आउटसाइड, थर्मिक मीन्स हीट. दोज रिएक्शन विच गिव आउट हीट when they perform, they are called as the exothermic chemical reactions. ये उसका एनर्जी ग्राफ है. इसी तरह अगर आप देखें यहाँ पर रिएक्टेंट्स की पोटेंशियल एनर्जी कम है, एक्टिवेशन कम्प्लेक्स के लिए हाई एनर्जी होनी चाहिए, चाहे वो एक्सोथर्मिक है या एंडो है, ये पीक उसने अचीव करनी है. उसके बाद अगर प्रोडक्ट बने हैं और उनकी एनर्जी रिएक्टेंट की इनिशियल एनर्जी से ज़्यादा है, इसका मतलब है दिस मच अमाउंट मस्ट बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. ऐसे रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं. एंडो मींस इनसाइड, थर्मिक मींस हीट,
तो इसका मतलब है कि द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग दैट इज कॉल्ड एज द एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा वो रिएक्शन मिक्सचर ठंडा आपको नजर आएगा, ठीक है, और यहाँ पर एक्सोथर्मिक होगा वहाँ रिएक्शन मिक्सचर गर्म हो जाएगा, वो हीट को बाहर फेंक रहा होगा, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी ई ए इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये इसकी डेफिनेशन आ गई, एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन, रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन। इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आप लोग प्रेजेंटेशन देंगे इस टॉपिक के ऊपर, कोई भी वन ऑफ यू, तो देखेंगे कि वो भी हम अपलोड करेंगे, देखेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कैसे कितने कॉन्फिडेंस से इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे चलेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म्स। अब रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एट मॉलिक्यूलर लेवल। ओवरऑल प्रोग्रेस क्या होती है, रिएक्शन कैसे स्टार्ट हुआ है, कैसे एंड अप हुआ है, बाय अ सीरीज ऑफ सिंपल एलिमेंट्री स्टेप्स, ठीक है। अब उनमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उसको रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं, जिसमें रिएक्शन के तमाम स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर कोई रिएक्शन स्टेप वाइज हो रहा है, ठीक है, पहला स्टेप स्लो है, उसके बाद सेकंड स्टेप फास्ट है, या पहले में रिएक्टेंट्स मिलकर एक एक्टिवेशन कम्प्लेक्स बना रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट बना रहे हैं, फिर प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं, तो जो रिएक्शन का ओवरऑल तरीक़ाकार है उस तरीक़ाकार को उसका मैकेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल आप ये देखें, आपके पास एक रिएक्शन हुआ है जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से कम्बाइन हुई है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी है, ठीक है, और N2O2 इज डिटेक्टेड ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है। अब N2O2 जो है डिटेक्ट हुई है रिएक्शन के दौरान, लेकिन एंड प्रोडक्ट में ये नहीं आई, क्योंकि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है दैट इज नॉट अपीयर्ड एट द एंड, ठीक है, वो स्टार्ट में अपीयर होता है रिएक्टेंट, एंड पे अपीयर होता है प्रोडक्ट, ये दरमियान में कहीं बना है। इसका मतलब है कि हम देखेंगे कि ये रिएक्शन स्टेप में हुआ एलिमेंट्री स्टेप में, पहले NO और NO मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट किया उन्होंने और N2O2 बना है, फिर N2O2 ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया और NO2 बना है। यहाँ पर आपके पास N2O2 कैंसिल हो गई है, ठीक है, यानी वो एक्टिवेशन कम्प्लेक्स खत्म हो गया जो बना था दरमियान में, और फिर आपके पास बचा है NO और NO2NO प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन 2NO2। बात समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इंटरमीडिएट बनता है दरमियान में ये एंड पे अपीयर नहीं होता, ठीक है। तो ये रिएक्शन के दो मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म है इसका और ये ओवरऑल रिएक्शन है जो ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है। इंटरमीडिएट आर द स्पीशीज दैट अपीयर इन अ रिएक्शन मैकेनिज्म बट नॉट इन द ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन, यानी ये जो स्पीशीज हैं जो सर्कल्ड आपको नजर आ रही हैं ये रिएक्शन में मैकेनिज्म के अंदर अपीयर हुई हैं, ठीक है, डिटेक्ट भी काफी इनको कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट में N2O2 नहीं है और ना ये रिएक्टेंट में थी, ठीक है। तो इंटरमीडिएट ऑलवेज फॉर्म्ड इन द अर्लियर एलिमेंट्री स्टेप, शुरुआत में कहीं दरमियान में बनते हैं, एंड कंज्यूम्ड इन द लेटर एलिमेंट्री स्टेप, और प्रोडक्ट बनने से पहले पहले कंज्यूम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, इसलिए जब वो बने जब वो कंज्यूम, यहाँ ये बना है यहाँ ये कंज्यूम हो गया, ये कैंसिल हो गए। द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग इन द एलिमेंट्री स्टेप, ठीक है, जितने मॉलिक्यूल एलिमेंट्री स्टेप में रिएक्ट कर रहे होते हैं वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन वो होते हैं जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करे, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन वो होते हैं जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन दो मॉलिक्यूल पर डिपेंड करे, ठीक है। तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन इन विच वन मॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन एलिमेंट्री स्टेप विद टू मॉलिक्यूल्स, और टर्म मॉलिक्यूलर रिएक्शन एलिमेंट्री स्टेप विद द थ्री मॉलिक्यूल्स। आगे चलेंगे, अब हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट पर असरअंदाज होते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं। दीज आर द फैक्टर्स, उनमें टेम्परेचर आता है, आपको पता है कि टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। प्रेशर, प्रेशर याद रखें सिर्फ गैसेस पे इफेक्ट करता है, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड्स पर इसका असर नहीं होता। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना एरिया एक्सपोज है रिएक्टेंट्स, जितना सरफेस एरिया रिएक्टेंट्स का ज़्यादा होगा इतना रिएक्शन फास्ट होगा। और प्रेजेंस ऑफ अ कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैटेलिस्ट किसी केमिकल रिएक्शन के रास्ते को तब्दील कर देता है, इट ऑल्टर्स द पाथ ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ऐसा रास्ता अख्तियार करता है जिस रास्ते के अंदर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होती है जिस रास्ते की, इसलिए रिएक्शन तेज हो जाता है, जल्दी हो जाता है।
ठीक है, तो आगे चलेंगे। सबसे पहले टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज इन नंबर ऑफ कोलिजंस। इंक्रीज इन नंबर ऑफ कोलिजंस उसमें फिर इफेक्टिव कोलिजन भी इंक्रीज हो जाती हैं, एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद ग्रेटर अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी और मोर पार्टिकल्स रिएक्ट इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। ये सारे का सारा तरीका कार है कि किस तरीके से टेम्परेचर जो है बढ़ने पर रिएक्शन का रेट इंक्रीज होता है। उसके बाद हम आगे इन क्वेश्चंस को स्किप करेंगे। फैक्टर टू, कंसंट्रेशन और प्रेशर। हाई कंसंट्रेशन, हाई प्रेशर, मोर पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम आएंगे। ठीक है, हाई प्रेशर पर गैसेस का वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो थोड़े वॉल्यूम में ज़्यादा पार्टिकल्स आ जाएंगे, कोलिजन बढ़ जाएंगी, कोलिजन डबल हो जाएंगी, कोलिजन डबल होंगी तो फिर इफेक्टिव कोलिजन भी ज़्यादा हो जाएंगी, इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होंगी तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा। और कंसंट्रेशन का मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोर कोलिजंस, मोर कोलिजंस, मोर इफेक्टिव कोलिजंस, मोर इफेक्टिव कोलिजंस, मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज। आगे चलेंगे सरफेस एरिया। जैसे देखिए आपके पास मार्बल का एक स्टोन है, उसके ऊपर अगर आप एसिड डालते हैं तो रिएक्शन होगा, जारी बात है मार्बल जो है डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है। उसी मार्बल के स्टोन को चार पांच टुकड़ों में ले आए, रिएक्शन थोड़ा तेज हो जाएगा। और बारीक कर दें मार्बल के स्टोन्स को, ग्रेवल बना दें, उसकी बजरी बना दें, ठीक है, और रिएक्शन तेज हो जाएगा। एंड इफ यू आर यूजिंग मार्बल पाउडर तो आप देखेंगे रिएक्शन बहुत ज्यादा स्पीड से होगा। क्यों? क्योंकि जब आपने उसको पीस लिया है, उसको बारीक कर लिया, पाउडर बना दिया, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो पार्टिकल साइज इंक्रीज हो जाएगा इन एक्सपोजर टू अदर रिएक्टेंट। एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट से ज्यादा एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज इन प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन, पीछे जाएं, इंक्रीज इन प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन मतलब कोलिजन के इम्कान बढ़ जाएंगे, ठीक है, और फिर इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। इज दैट क्लियर? आगे चलेंगे प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट। मैंने आपको बताया कि कैटेलिस्ट बुनियादी तौर पे क्या करता है, ये रिएक्शन के पाथ को चेंज करता है, इट अल्टर्स द पाथ ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ऐसा पाथ, ऐसा रास्ता चुनता है जिसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उस पाथ के लिए वो कम से कम होती है। इसलिए रिएक्शन का पाथ जब चेंज होगा, रिएक्शन ऐसा पाथ फॉलो करेगा जिसके अंदर लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो वो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, तेज हो जाएगा। हेंस अ कैटेलिस्ट increases the rate of reaction by altering the path of a chemical reaction or by lowering down the activation energy. Activation energy कम हो जाती है, catalyst activation energy कम कर देता है। कैसे कम कर देता है? वो path इख्तियार करता है, it follows the path, reaction follows the path having less amount of activation energy, less activation energy, यानी एक energy shortcut होती है, ठीक है। तो ये आपका चौथा factor है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस पर लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।